आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ पानी वाली फुल्की बेसन की, और बहुत ही अच्छी बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसमें मैंने एक कप बेसन ले लिया है, इसको मैंने काफ़ी अच्छे से छान लिया। छानने के बाद में इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डालूँगी, हल्दी के बाद में इसमें थोड़ी मिर्च पाउडर डालूँगी, फिर इसमें 1 पिंच में सोडा डालूँगी। सोडा डालने के बाद में मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी, नमक जाएगा इसके अंदर, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी जाएगा, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको काफी अच्छे से फेंट लेना है, इसमें फेंटने से इसका फुल्की काफी अच्छी फूली फूली सी बनेगी। इसको कंटिन्यू फेंटते रहना है। इसको मैंने स्पैचुला से खूब अच्छे से इस तरीके से हिला दिया, उसमें अच्छी एयर भर गई है। ये देखिए, अब इसको मैं साइड में रख दूंगी। तो किस तरीके से अब हुआ है, इस पानी के कप में मैं डाल के देखूंगी, आटा ऊपर साइड में आएगा तो ये फूल गया है। ये देखिए, ऊपर आटा आ गया है। कुछ हरी मिर्च ले ली है, 2-3 हरी मिर्च ले ली है, थोड़ी सी अदरक ले ली है, और कुछ लहसुन के जवे ले लिए हैं, और ये कुछ पुदीना ले लिया है, और थोड़ी हरा धनिया ले लिया। तो इसकी मैं चटनी बनाऊंगी। ये मैंने एक बोल में पानी ले लिया है, आधा बोल पानी है। इसके अंदर मैं इमली का पल ऐड करूंगी, जिसको मैंने अच्छे से भिगा दिया था और इसका पल बना लिया है। फिर इसमें मैंने अभी जो आपको दिखाया वो धनिया और कोथमीर की चटनी जाएगी। इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा और सूखी मिर्च का पाउडर, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये जाएगा चाट मसाला, इसमें थोड़ी शक्कर जाएगी, खट्टा मीठा स्वाद रहेगा, बहुत टेस्टी। इसमें जाएगा नमक, नमक स्वाद अनुसार, फिर इसमें थोड़ा काला नमक, बहुत ही मजेदार बनेगा। थोड़ी सी हींग हम इसमें ऐड करेंगे हाजमे के लिए, बहुत ही अच्छा स्वाद रहेगा उसका। 1 पिंच हींग डालेंगे हम, फिर थोड़ा सा मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल लेंगे सिर्फ कलर के लिए, कि कलर प्यारा सा हो जाए। चलिए फुल्की बनाते हैं हम लोग। कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया और उसको गर्म करने के लिए रख दिया। इसको मैंने मीडियम आंच पे रखा है, फ्लेम मीडियम रखी हुई है। इसके अंदर मैं ये फुल्कियाँ ऐड करूंगी। ज़्यादा फास्ट पे मत पकाइए, ज़्यादा फास्ट में पकेंगी तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर जल जाएंगी। बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और खूब अच्छे से फूल गई हैं फुल्कियाँ, इनको पानी में डायरेक्ट मैं पानी में डाल दूंगी और अलग से भिगाऊंगी नहीं, क्योंकि वो पानी है और अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा तो उसके अंदर टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा। ये फुल्कियाँ सब फ्राई हो गई, इनको निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैं इनको पानी में डाले दे रही हूँ। थोड़ा हरा धनिया ऐड करेंगे, और इसमें थोड़े से प्याज को काट लिया है वो ऐड करेंगे। तैयार है हमारी फुल्कियाँ। चलिए एंजॉय कीजिए, मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़ अगली रेसिपी के साथ।